1 अप्रैल को थिएटर में जाकर हमने लापता लेडीज देखा, मेरा मतलब है लापता लेडीज मूवी देखा। टिकट का दाम हमारे बजट में था तो हमें लगा कि हमें ये सुनहरा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम तीनों के तीनों क्लास मात्र 99 में, इसलिए हमने प्लेटिनम क्लास का एक टिकट लेकर ये फिल्म देख डाली। फिल्म हमको जबरदस्त लगी, फिल्म में एक्शन छोड़ के सब कुछ था, अच्छी और साफ सुथरी कॉमेडी, सबसे जरूरी और सोचने लायक विषय कन्या शिक्षा और ठीक ठाक सस्पेंस। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 2001 के एक शुद्ध देहाती विवाह से, जहां विवाह के बाद लड़का दीपक परसिवास्तव अपनी नई नवेली पत्नी फूल निशांति गोयल को लेकर अपने घर निकलता है। घर से बस अड्डे तक लड़की के घर वाले उसे छोड़ने भी आते हैं। अब बस से उतर के दीपक और फूल ट्रेन में सवार होते हैं, मगर ट्रेन में एक और नया नवेला जोड़ा पहले से ही सवार होता है। दोनों दुल्हन के कपड़े लगभग एक से और लंबे घूंघट, और इसी कपड़ों और घूंघट की वजह से बदल जाती है दीपक की दुल्हनिया। घर पे जब दीपक की माँ दुल्हन के आरती लिए दुल्हन को उसका घूंघट उठाने के लिए बोलती है, तब पता चलता है कि बहू तो दूसरी की उठा लाया उनका बेटा। तो फिल्म की कहानी का असली सार यहीं से शुरू होता है। अब दीपक को चाहिए अपनी फूल, और फूल की तलाश में वो पहुंचता है थाने, जहां उसकी मुलाकात होती है थानेदार श्याम मोहन यानी कि हमारे रवि किशन भैया से। इस फिल्म की असली बात बता दे आपको कि इस फिल्म में जब जब रवि किशन का दृश्य आता है तब तब वो दृश्य शरीर के एक रूम रूम में गुदगुदी कर देता है। रवि किशन को इस अंदाज में देख कर मजा आ गया। फिल्म में दीपक को उसकी फूल मिलती है या नहीं, यही है फिल्म की कहानी। बाकी जो बदले में दीपक को पत्नी गलती से मिल जाती है यानी कि जया प्रतिभा रत्ना, उनकी भी अपनी कहानी है। शुरुआत में जो हम कन्या शिक्षा वाला विषय बताए थे वो जया की कहानी में आपको देखने को मिलेगा। और जया दीपक के साथ गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर आई थी, उसके तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। 2 घंटे की इस फिल्म में 1 सेकंड भी बोर नहीं हुए। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बहुत ही दमदार तरीके से निभाया है। आपको बता दें कुछ साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक उपन्यास पढ़े थे जिसका नाम नाव दुर्घटना था। उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब एक लड़का शादी करके अपने घर लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे नाव से एक नदी पार करना होता है। नाव में और भी शादीशुदा जोड़े हैं। नाव जब नदी पार कर रही होती है तभी आ जाता है तूफान और नाव हो जाती है दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना के बाद जब लड़का होश में आता है तो वो किसी और की धर्म पत्नी को अपने साथ लेकर चल देता है। तो हो सकता है कि लापता लेडीज की कहानी का आधार उसी रविंद्रनाथ के उपन्यास से ही लिया गया हो सकता है। हमारे पास कोई ऑफिशियल खबर नहीं है इसकी। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि फिल्म बहुत ही जबरदस्त है। कहानी, अभिनय, निर्देशन, हर क्षेत्र में पूरे मेहनत और शिद्दत से काम हुआ है। फिल्म को हम देंगे 8.5 स्टार आउट ऑफ 10 और IMDb पे ये फिल्म को मिला है 8.4 आउट ऑफ 10। लापता लेडीज का निर्देशन किया है किरण राव ने और खर्चा उठाया है आमिर खान, किरण राव और ज्योति देशपांडे ने। ये ज्योति देशपांडे लगभग आपको हर फिल्म के प्रोड्यूसर लिस्ट में मिल ही जाएंगी। फिल्म की कहानी को लिखा है विप्लव गोस्वामी, नेहा देसाई, दिव्या निधि शर्मा ने और पटकथा लिखा है अकेले स्नेहा देसाई ने। फिल्म अभी भी थिएटर में चल रही है तो आप फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं। हाँ, एक बात आपको बताना भूल गए, थिएटर में जब आप ये फिल्म देखें तो इसका एक्सपेक्ट रेशियो आपको डिसपॉइंट कर सकता है। फुल स्क्रीन वाला मजा नहीं मिलता है, दाएं और बाएं तरफ से कुछ स्क्रीन कटा हुआ दिखता है। और दूसरी बात ये कि पूरी फिल्म में बेवजह का सबटाइटल दिखाया जाएगा जो कि पूरी तरह से अनमैच्ड था। लेकिन जो भी हो, रिलीज के 1 महीने बाद भी थिएटर में अच्छी खासी भीड़ थी। लापता लेडीज के OTT रिलीज के बारे में बात करें तो बस इतना ही पता है कि बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, कब आएगा इसका कुछ भी नहीं पता। तो लापता लेडीज के बारे में जो कुछ भी हमारे पास था वो आपको बता चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं जल्दी किसी रिव्यू के साथ। तो चलिए खत्म करते हैं।